जबरदस्ती का हाथ किए हुए हमें श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो फिलहाल नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए शपथ ले लिया है। उनकी तस्वीरें मंच से आप इस वक्त देख रहे हैं। अब इंतजार तेजस्वी यादव को लेकर है, जो उनकी सहयोगी पार्टी। ये मंथन काफी वक्त से चल रहा था। सियासी जानकार जो अंदर खाने की खबरें रखते हैं, उनका ये भी मानना है कि 2020 के चुनाव परिणाम के बाद ही नीतीश कुमार ने मन बना लिया था कि बीजेपी के साथ उनको नहीं रहना है ज्यादा वक्त तक। हालांकि इस बीच बातचीत होती रही लालू प्रसाद यादव से भी, तेजस्वी यादव से भी, लेकिन ये बात बनी रही। कुछ शर्तें थी तेजस्वी यादव की भी, कुछ आरजेडी के नेताओं की और लालू प्रसाद यादव की। जब तक उन शर्तों को नीतीश कुमार ने माना नहीं, तब तक ये कदम नहीं उठाया गया। और अब जाकर अब ये दोनों ही चेहरे और दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में भी जाएंगी और आज से सरकार भी चलाने वाली है। लेकिन मैं पहले भी आपके सामने जिक्र कर चुकी हूँ कि 2025 वो वक्त होगा जब सवाल पूछेगी पब्लिक भी, लोग भी, विपक्षी खेमा भी। उस वक्त जवाब देना होगा। हर हाल में अभी चुनाव का वक्त नहीं है, तो अभी ये दोनों ही चेहरे मिलकर सरकार चलाएंगे। लेकिन ये भी सवाल है कि क्या सब कुछ स्थिर होगा, सब कुछ बेहतर तरीके से होगा, या बीजेपी जिस तरीके से अपना रुख आज दिखा चुकी है उसके बाद कुछ और माहौल बनेगा। तो नीतीश कुमार का स्वागत करते हुए सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर आप सुन रहे हैं और आप सभी नेताओं को देख रहे हैं। इस वक्त नीतीश कुमार सबका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और अब तेजस्वी यादव का नाम का अनाउंसमेंट होना है। तो एक बार ये प्रोसेस अब हो रहा है। पत्रांक 1305 राज 101